ओडिशा में बड़े ट्रेन हादसे के बाद बालासोर पहुंचे पीएम मोदी ने किसे मिलाया फोन और क्या की बातचीत। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 250 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि कुल 900 से ज्यादा मुसाफिर इसमें जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक घटना से देश में शोक की लहर है। लोग मृतकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जिन परिवारों ने इस हादसे में अपनों को गंवा दिया है उन्हें इस दुख की घड़ी में संबल देने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में अभी भी शव पड़े हुए हैं जिन्हें पहचानने के लिए आने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस दुर्घटना वाली जगह पर भी अलग अलग टीमें क्षतिग्रस्त ट्रेन की बोगियों को हटाने के कामों में जुटी हुई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालासोर में हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालात की समीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने घटना स्थल पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। उनसे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हालात का मुआयना कर चुके थे। दुर्घटना वाली जगह पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे पीएम मोदी को इस दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए देखा गया। इस दौरान उनके चेहरे पर तनाव साफ तौर से देखा जा सकता था। पीएम मोदी इस हादसे से खासे व्यथित दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान फोन पर कैबिनेट सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बात की। इस बातचीत में राहत कार्यों को लेकर चर्चा की गई। घटना स्थल पर भी पीएम मोदी ने राहत कार्यों में जुटी अलग अलग टीमों के अधिकारियों को एकजुट होकर काम करने को कहा। पीएम मोदी इसके बाद सीधे बालासोर में उस अस्पताल में गए जहां पर घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहां पहुंचने के बाद पीएम अलग अलग मरीजों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछते और बातचीत करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि अस्पतालों में भर्ती बहुत से मरीजों की हालत गंभीर है, जिन्हें बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। डॉक्टर्स की टीम और मेडिकल स्टाफ लगातार घायल मरीजों का इलाज और उनकी निगरानी में लगा हुआ है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जबकि मृतकों के शवों को उनकी पहचान के लिए रखा गया है। उनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं और शवों की पहचान कर रहे हैं। बालासोर में तीन ट्रेनों की टक्कर के पीछे बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे के सटीक कारणों का अब तक खुलासा होना बाकी है। इसके लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। हाल फिलहाल ये रेलवे लाइन बाधित है, यहाँ से ट्रेनों का आवागमन अगली सूचना तक रोका गया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। इसमें मृतकों के परिजनों को रेलवे की ओर से 10-10 लाख रुपए, जबकि प्रधानमंत्री की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा हुई है। जबकि रेलवे गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।